ये एक ईस्ट फेसिंग प्लान है, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। द फेस ऑफ दिस बिल्डिंग इज टुवर्ड्स ईस्ट। ये है एंट्रेंस, ये है एंट्रेंस डोर। सामने एक बारंडा है, 3 फुट वाइड का बारंडा है। यह डोर एंट्रेंस डोर। देखिए यहाँ लेंथ ऑफ दिस बिल्डिंग इज 47 फीट एंड द विड्थ ऑफ दिस बिल्डिंग इज 28 फीट। ये है 47 और ये है 28। देखिए घर में, यहाँ घर में घुसते हैं और यहाँ पर है एक हॉल, लिविंग रूम कम हॉल। देखिए हॉल का साइज है 10 फुट बाई 21 फुट 2 इंच, 21 फुट 2 इंच इसका लंबाई है, ये वाला लंबाई 21 फुट 2 इंच और ये वाला है 10 फुट। ये हॉल आपका लिविंग डाइनिंग कम हॉल। ये हॉल के पास एक पूजा रूम है, यहाँ पर पूजा रूम का साइज है 6 फुट बाई 5 फुट, इसका मतलब ये है 6 और ये है 5 फुट। और यहाँ पर एक बारंडा है छोटा सा, बारंडा का साइज है 8 फुट बाई 5 फुट। और ये बारंडा के पास एक कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पर टॉयलेट का साइज है 8 फुट बाई 5 फुट, ये है 8, यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 5, लंबाई है 8 और चौड़ाई है 5 फुट। और यहाँ पर एक डोर है, एस्केप डोर, इमरजेंसी डोर इसको बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर आपका वॉश एरिया है, बेसिन यहाँ पर है हाथ मुंह धोने के लिए, पर बेसिन है। और ये हॉल के पास किचन है, देखिए यहाँ पर किचन, और किचन का साइज है 10 बाई 9 फुट 8 इंच, ये है 10 फुट और ये है 9 फुट 8 इंच। ये तो आपका किचन स्लैब और यहाँ पर आपका सिंक पॉइंट। इस प्लान में 2 बेडरूम है, देखिए यहाँ बेडरूम में, यहाँ पर एक बेडरूम है और यहाँ पर एक बेडरूम है। देखिए ये तो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का साइज देखिए 13 फुट बाई 14 फुट, ये है 13 फुट, यहाँ से यहाँ तक 13 फुट और यहाँ से यहाँ तक 14 फुट। सो द साइज ऑफ दिस मास्टर बेडरूम इज 13 बाई 14 फिट। और यहाँ पर दूसरा बेडरूम है, इसका साइज देखिए, इसका साइज है 13 बाई 11, 13 फुट यहाँ से यहाँ तक 13 फुट है और यहाँ से यहाँ तक है 11 फुट। और ये जो टॉयलेट है बीच में, दोनों बेडरूम के बीच में जो टॉयलेट है, ये अटैच हुआ है मास्टर बेडरूम को, ये मास्टर बेडरूम को अटैच हुआ है। ये इसका साइज है 8 फुट बाई 5 फुट, इसका लंबाई 8 फुट है और चौड़ाई 5 फुट। मास्टर बेडरूम को ये अटैच हुआ है और ये जो टॉयलेट है ये कॉमन टॉयलेट है। और यहाँ पर साइड में आपका एक गैरेज है, इसको आप गैरेज बोल सकते हैं।
और पोर्टिको भी बोल सकते हैं। यहाँ पर गैरेज आप गाड़ी रखने के लिए गैरेज है 13 feet by 10 feet। देखिए 13 feet यानी यहाँ से यहाँ तक 13 feet और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 10 feet है। गाड़ी के लिए काफ़ी है, आपका कार के लिए काफ़ी है। इसको पोर्टिको भी बोल सकते हैं और गैरेज भी बोल सकते हैं, गाड़ी रखने के लिए है। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पर स्टेयरकेस है, यहाँ से ऊपर जाना होगा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए। इसका लेंथ है, बिल्डिंग का लेंथ है 47 feet और इसका विड्थ है 28 feet। इसका प्लिंथ एरिया अगर हम देखेंगे तो ये जो सामने 3 feet वाइड का बारंडा है इसको मिला लेते हैं और ये जो पोर्टिको है इसको मिला लेते हैं। ये बिल्डिंग के साथ बारंडा और पोर्टिको, ये सब का प्लिंथ एरिया मिलाकर अगर प्लिंथ एरिया ऑफ दिस बिल्डिंग इज 1348 स्क्वायर फीट, 1348 स्क्वायर फीट है ये घर का एरिया। सामने जो 3 feet वाइड का बारंडा है आप चाहें तो इसको और थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं, 3 feet के बदले आप इसको 5 feet भी कर सकते हैं ताकि पानी पानी ना पड़े वर्षा के मौसम में। ये प्लान आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर ये प्लान आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।